हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में आज हम पढ़ेंगे नाउंस के बारे में, ठीक है? ये क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउंस, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, क्वालिटी और फीलिंग। ठीक है, जितने भी आपके प्लेस हैं, एनिमल हैं, आपके थिंग्स हैं, ठीक है, जितने भी आपकी फीलिंग्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, ये सब क्या हैं, हमारे नाउन कहलाते हैं। बेसिकली अगर मैं कहूँ, जितने भी आसपास आपके नॉन लिविंग थिंग या लिविंग थिंग है, ठीक है, आप जितनी भी चीज़ें हैं जिनको फील कर सकते हो, वो सारी किस में आ जाती हैं? नाउन में आ जाती हैं। एग्जाम्पल, मोनिका, स्कूल, काओ, बुक, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, एक्सेट्रा, ये सारे आपके नाउन के एग्जाम्पल हैं। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस, भगत सिंह वॉज अ पैट्रियॉट, प्रयागराज इज इन उत्तर प्रदेश, द हिंदू वर्शिप अ काओ, द रामायण इज अ होली बुक ऑफ द हिंदू, ट्रूथफुलनेस ब्रिंग्स फियरलेसनेस। नाउन्स कैन हैव डिफरेंट केसेस। अब नाउन के ना डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, ठीक है, आप कहाँ कहाँ इनको लगा सकते हो, कहाँ कहाँ इनको यूज कर सकते हो। और नाउन इज इन द नॉमिनेटिव केस इफ इट इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ठीक है, नाउन वहाँ पे नॉमिनेटिव केस हो जाता है जहाँ पे वो सब्जेक्ट बन जाता है वर्ब का, ठीक है। एग्जाम्पल, सचिन प्लेड अ गेम। सेकेंड आपका, अ नाउन इज इन द ऑब्जेक्टिव केस इफ इट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ठीक है, नाउन वहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है जहाँ पे वो वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल, सचिन प्लेड अ गेम। इफ अ नाउन इन द ऑब्जेक्टिव केस कम्स आफ्टर अ प्रीपोजिशन, इट इज इन द एक्यूजेटिव केस, ठीक है, जब आपका नाउन जो है वो क्या होता है, आपके प्रीपोजिशन के बाद आता है, ठीक है, तो वो आपका एक्यूजेटिव केस बन जाता है। एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल। फोर्थ है आपका, अ नाउन इज इन द डेटिव केस इफ इट इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ठीक है, आपका नाउन अगर आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है किसका, वर्ब का, तो वो आपका डेटिव केस बन जाता है। एग्जाम्पल, ग्रैंड मदर गेव अ स्वीट टू मोनू। क्लियर है बच्चों, नाउन कैन बी काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल, ठीक है, अब नाउन आपके दोनों हो सकते हैं, काउंटेबल भी हो सकते हैं, अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे काउंटेबल नाउन्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे काउंटेबल नाउन के बारे में कि ये क्या होते हैं। नाउन्स दैट कैन बी क्वांटिफाइड और काउंटेड विद नंबर्स आर नोन एज काउंटेबल नाउन्स, ठीक है, काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिन्हें आप नंबर्स में इजीली काउंट कर सकते हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं आपके, काउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल, अ हाउस, फोर वॉल्स, टू आईज, एक्सेट्रा, ठीक है, इनको आप इजीली काउंट कर सकते हो, देख के आप बता सकते हो कि ये कितने नंबर्स में है। रिमेंबर द फॉलोइंग पॉइंट्स अबाउट काउंटेबल नाउन्स। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर, मतलब याद रखने हैं countable noun के। They can be quantified by numbers, ठीक है, इनको आप quantify कर सकते हो by numbers से, मतलब आप इनको गिनती में रख सकते हो। They have singular and plural form, इनकी दोनों होती है form, singular भी और plural भी, ठीक है, मतलब वो एक भी होते हैं, एक से ज़्यादा भी होते हैं, ठीक है। Third है आपका, they can use a, an or one before them, ठीक है, अब इनके आगे हम a, an और वन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब लगाते हैं, ठीक है। मैनी कैन ऑल्सो बी यूज बिफोर देम, अब इनके आगे हम मैनी भी लगा सकते हैं। अब आते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन्स की तरफ। नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड एंड आर यूजली क्वान्टिफाइड बाई वर्ड दैट सिग्निफाई अमाउंट आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम्पल, कॉटन, ऑयल, स्मोक, इंग्लिश, शुगर, वूल, एक्सेट्रा, ये सारे आपके क्या हैं, अनकाउंटेबल नाउन है। आगे चलते हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, अब हमें कुछ पॉइंट्स हैं उनको याद रखना है, किसके बारे में, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। दे आर क्वांटिफाइड बाय एन अमाउंट रैदर देन नंबर्स, अब इनको इनके अमाउंट के द्वारा हम क्वांटिफाई करते हैं रैदर देन नंबर, ठीक है, हमें इनका नंबर नहीं पता होता तो हम इन्हें अमाउंट के द्वारा क्वांटिफाई करते हैं। दे हैव ओनली वन फॉर्म सिंगुलर, ठीक है, अब इनकी एक ही फॉर्म होती है जो कि क्या होती है, सिंगुलर होती है। थर्ड, दे कैनॉट हैव ए एंड और वन बिफोर देम, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के आगे आप ए एंड और वन नहीं लगा सकते। फोर्थ, दे कैन हैव मच, एनी और सम बिफोर देम, इनके आगे आप इनकी जगह पे ए एंड की जगह पे मच, मोर, सम, सच, एनी, ये वर्ड्स लगा सकते हो, ठीक है। फिफ्थ है आपका, ऑल एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, जितने भी आपके एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन होते हैं ये सारे क्या होते हैं, आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, काइंड्स ऑफ नाउन। देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट है आपका प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन,
थर्ड मटीरियल नाउन्स, फोर्थ कलेक्टिव नाउन एंड फिफ्थ अब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में. दे आर द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेसेस, एनिमल और थिंग. प्रॉपर नाउन डू नॉट हैव एनी प्लूरल फॉर्म्स. ठीक है, प्रॉपर नाउन वो कहलाते हैं जो जहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं, थिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं या एनिमल के बारे में बात कर रहे होते हैं. ठीक है, इनका कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता. एग्जाम्पल, द केरला एक्सप्रेस अराइव्ड लेट. सेकेंड, अमन स्टडीज इन दिल्ली पब्लिक स्कूल. थर्ड, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश. सेकेंड है आपका कॉमन नाउन. दे आर नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेसेस, एनिमल एंड थिंग. ऑल कॉमन नाउन हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म. ठीक है, कॉमन नाउन वो होते हैं जब आप किसी कॉमन पर्सन के बारे में या कॉमन थिंग के बारे में बात कर रहे होते हो. ठीक है, ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, कॉमन नाउन्स कहलाते हैं और ये सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में हो सकते हैं. एग्जाम्पल, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल. सेकेंड, कीप द बुक ऑन द टेबल. थर्ड है आपका मटीरियल नाउन. ठीक है, दे आर द नेम ऑफ मटीरियल्स यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, ये उन मटीरियल को कहा जाता है जो चीज़ें बनाने के काम आती है. एग्जाम्पल, चपाती इज मेड ऑफ वीट. सेकेंड, दिस नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड. ब्रिंग दैट स्टील स्केल हेयर. ठीक है, यहाँ पे क्या है, मटीरियल नाउन आया है. ठीक है, फोर्थ है आपका कलेक्टिव नाउन्स. दे आर वर्ड दैट नेम अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग एज अ कम्प्लीट होल. जहाँ पे आपके ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एनिमल को दर्शाया जाता है एज ए होल में, उनको क्या कहा जाता है, आपको कलेक्टिव नाउन कहा जाता है. एग्जाम्पल, अनिल वॉज टेंडिंग हिज फ्लोक ऑफ शीप. सेकेंड, द डॉग हैड अ लिटर ऑफ फोर पप्स. ठीक है, यहाँ पे फ्लोक और लिटर आपके क्या है, ये आपके कलेक्टिव नाउन्स है. आगे चलते हैं हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ. दे आर द नेम ऑफ एक्शन, क्वालिटीज, फीलिंग, स्टेट ऑफ माइंड और आर्ट. ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन आपके क्या होते हैं, ये आपके क्वालिटीज होती है, फीलिंग होती है, एक्शन होता है. ठीक है, आपका स्टेट ऑफ माइंड जो कि आपका क्या आप सोचते हो, वो सारे क्या कहलाते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं. एग्जाम्पल, देयर फ्रेंडशिप डेट्स बैक टू 5 years. सेकेंड, चाइल्डहुड इज अ वेरी ब्यूटिफुल टाइम. ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ. ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर जनरली फॉर्म्ड फ्रॉम. ठीक है, जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है आपका वो तीन चीजों से बना है. किस किस चीज से, कॉमन नाउन से, एडजेक्टिव से एंड वर्ब से. ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कॉमन नाउन से. कॉमन नाउन से अब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको बनाना है तो कैसे बनाओगे, जैसे कि मास्टर का बन गया मास्टरी, चाइल्ड का बन गया चाइल्डहुड, स्लेव का बन गया स्लेवरी, रॉबर रॉबरी, फ्रेंड फ्रेंडशिप, बॉय बॉयहुड, किंग किंगशिप, ओनर ओनरशिप, मिनिस्टर मिनिस्ट्री, डकॉइट डकॉइटी, थीफ थेफ्ट, कावर्ड कावर्डाइज, बर्गलर बर्गलरी, एजेंट एजेंसी, हीरो हीरोइज्म, रिलेशन रिलेशनशिप, कैप्टन कैप्टनसी, इन्फेंट इन्फेंसी, बॉन्ड बॉन्डेज, स्कूल स्कूलिंग. ठीक है, अब आते हैं हम फ्रॉम एडजेक्टिव की तरफ, कि एडजेक्टिव से आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाते हो. ब्रेव का हो जाता है ब्रेवरी, डार्क का हो जाता है डार्कनेस, बोल्ड बोल्डनेस, डीप डेप्थ, एबल एबिलिटी, कर्टियस कर्टिसी, एक्टिव एक्टिविटी, क्रूअल क्रूएल्टी, बिग बिगनेस, डिफरेंट डिफरेंस, ब्रॉड ब्रेथ, ईगर ईगरनेस, इंटेलिजेंट इंटेलिजेंस, हॉट हीट, इग्नोरेंट इग्नोरेंस, फॉल्स फॉल्सहुड, फ्री फ्रीडम, फुलिश फुलिशनेस, हाई हाइट, हम्बल ह्यूमिलिटी, पेशेंट पेशेंस, डिलिगेंट डिलिगेंस, जस्ट जस्टिस, डियर डियरनेस, ग्रेटफुल ग्रेटफुलनेस, एफिशियंट एफिशियंसी, पुअर पॉवर्टी, लॉन्ग लेंथ, क्विक क्विकनेस, प्राउड प्राइड, ट्रू ट्रूथ, क्वाइट क्वाइटिट्यूड, पोलाइट पोलाइटनेस, रूड रूडनेस, स्लो स्लोनेस, शॉर्ट शॉर्टेज, रैपिड रैपिडिटी, वाइड विड्थ. ठीक है, आगे चलते हैं फ्रॉम वर्ब से कैसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन निकालते हैं. एक्ट का बन जाता है एक्शन, बी का बन जाता है बीइंग, डू डीड, बेयर बर्थ, एडवाइस एडवाइस, बिलीव बिलीफ, अराइव अराइवल, चूज चॉइस,
कैरी कैरिएज ईट ईटेबल ईटरी डिस्क्राइब डिस्क्रिप्शन फ्लाई फ्लाइट डिफेंड डिफेंस डिफाइन डेफिनेशन गो गेट मूव मोशन मूवमेंट हेट हेटरेड लाफ लाफ्टर एक्सपेक्ट एक्सपेक्टेशन लिव लाइफ गिव गिफ्ट मीट मीटिंग हील हेल्थ पे पेमेंट इंजर इंजरी prevent prevention see sight pray prayer punish punishment practice practice protect protection speak speech solve solution save saving please pleasure sit sitting think thought enclose enclosure serve service relieve relief seize seizure remove removal utter utterance write writing try trial treat treatment acquit acquittal offend offense judge judgment oppose opposition ठीक है इतना क्लियर है बच्चों आपको आगे चलते हैं वर्ब्स हैविंग द सेम फॉर्म एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन कुछ वर्ब्स की सेम फॉर्म होती है उनके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी ठीक है जान लेते हैं कौन कौन से वर्ब्स हैं वर्ब्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉल फॉल स्टे स्टे क्राई क्राई स्टेप स्टेप डिजायर डिजायर स्लीप स्लीप फियर फियर राइड राइड हेल्प हेल्प टॉक टॉक लव लव वॉक वॉक होप होप टेस्ट टेस्ट जोक जोक टच टच मार्क मार्क वॉन्ट वॉन्ट regret regret talk talk respect respect work work ठीक है आगे चलते हैं नंबर्स की तरफ अ नाउन कैन बी वन और मोर देन वन ठीक है वन ऑफ काइंड इज नोन एज सिंगुलर जो हमारे नाउन है वो एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं जो एक तरह के होते हैं उन्हें हम सिंगुलर कहते हैं मोर देन वन इज नोन एज प्लूरल ठीक है एक से ज्यादा को हम क्या कहते हैं प्लूरल कहते हैं प्रॉपर नाउन मटेरियल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन्स डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म ठीक है जितनी आपकी प्रॉपर नाउन है मटेरियल नाउन है और कलेक्टिव नाउन है इनके क्या है इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल ठीक है अब आप सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाओगे ठीक है वो यहाँ पे दिए गए एग्जाम्पल्स प्लूरल कैन बी मेड इन सेवरल वेज ठीक है बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर फॉर्म ठीक है अब सिंगुलर से प्लूरल बनाने के यहाँ पे बहुत सारे वेज दिए गए हैं तरीके दिए गए हैं पहले तो है कि आप उसमें एस लगाकर उसको सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हो कैसे जैसे सिंगुलर है और यहाँ पे प्लूरल दिया गया है सिंगुलर में दिया गया है बैग उसमें आपने एस लगा दिया तो क्या बन गया बैग्स ठीक है आई का बन गया आईज एक्ट एक्ट्स एनवलप एनवलप्स ब्रदर ब्रदर्स ईयर ईयर्स बुक बुक्स हॉलीडे हॉलीडेज डॉग डॉग्स लॉ लॉज काउ काउज House, houses, door, doors, state, states, pupil, pupils, window, windows, idea, ideas, question and questions. ठीक है By adding es to the singular form of the noun ending in ch, s, sh, ss, x. ठीक है अब कुछ वर्ड होते हैं जिनमें क्या होता है एंड होता है सी एच से एस से एस एच से एस एस एक्स से तो इनके पीछे यानी कि इनके एंड में आप क्या लगाओगे ईएस लगा के उन्हें सिंगुलर से प्लूरल बनाओगे जैसे कि सिंगुलर प्लूरल मैच मैचेस विश विशेस वॉच वॉचेस एस एसेस इंच इंचेस प्रिंसेस प्रिंसेसेस लैच लैचेस ड्रेस ड्रेसेस बस बसेस ग्लास ग्लासेस बुश बुशेस बॉस बॉसेस गैस गैसेस टैक्स टैक्सेस ब्रश ब्रशेस फॉक्स फॉक्सेस डिश डिशेस एंड बॉक्स बॉक्सेस ठीक है आगे चलते हैं नाउन एंडिंग इन वाई आफ्टर अ कॉन्सोनेंट फॉर्म देयर प्लूरल बाय ड्रॉपिंग वाई एंड एडिंग आई ई एस ठीक है अगर आपके वर्ड के एंड में वाई आ रहा है और उससे पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है तो आप वाई को हटाकर उसकी जगह पे आई ई एस लगा दोगे उसको प्लूरल फॉर्म में बनाने के लिए सिंगुलर प्लूरल बेबी का हो जाएगा बेबीज ठीक है आपके बेबी में वाई आ रहा था अब यहाँ पे वाई हट जाएगा और उसकी जगह आ जाएगा आई ई एस ठीक है तो बेबी का बन जाएगा बेबीज फेरी का बन जाएगा फेरीज आर्मी आर्मीज लिली लिलीज एली एलीज
फैमिली फैमिलीज, बॉडी बॉडीज, लग्जरी लग्जरीज, कंट्री कंट्रीज, लॉबी लॉबीज, सिटी सिटीज, स्टोरी स्टोरीज, कॉपी कॉपीज, फ्लाई फ्लाइज, डिक्शनरी डिक्शनरीज, ट्रॉफी ट्रॉफीज, डेजी डेजीज एंड विक्ट्री विक्ट्रीज। क्लियर है बच्चों आपको? आगे चलते हैं हम। नाउन एंडिंग इन वाई आफ्टर अ वॉवल फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस ओनली। ठीक है, अब जहां पे वाई के साथ एंड हो रहा है लेकिन वाई से पहले वॉवल आ रहा है तो वहां पे सिर्फ आप एस लगा दोगे। ठीक है, आपको वहां पे वाई हटाने की जरूरत नहीं है। सिंगुलर प्लूरल, अब रे, रे में इसकी स्पेलिंग क्या है? आर ए वाई। ठीक है, अब यहां पे वाई से पहले वॉवल आ रहा है तो आपको यहां पे सिर्फ एस ऐड करना है उसे प्लूरल बनाने के लिए। तो रे का बन गया रेज, डोंकी का बन गया डोंकीज, वे वेज, की कीज, बे बेज, मंकी मंकीज, डे डेज, ऐसे एसेज, बॉय बॉयज, ट्रे ट्रेज, जॉय जॉयज, स्टोरी स्टोरीज, टॉय टॉयज, प्ले प्लेज। ठीक है, नाउ नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई चेंजेस इंटू वी ई एस। ठीक है, अब जो वर्ड्स आपके एफ से एंड हो रहे हैं या एफ ई से एंड हो रहे हैं तो वहां पे आप एफ और एफ ई को हटा करके उसकी जगह क्या लगाओगे? वी ई एस लगा दोगे उनको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है सिंगुलर प्लूरल, अब यहाँ पे हाफ दिया गया है। ठीक है, तो हाफ का क्या किया उन्होंने? एफ हटा के उसकी जगह वी ई एस लगा दिया, तो हाफ का बन गया हाफ्स। वुल्फ का बन गया वुल्व्स, काफ का बन गया काव्स, वाइफ का बन गया वाइव्स, एल्फ का बन गया एल्व्स, थीव का बन गया थीव्स, नाइफ का बन गया नाइव, शेल्फ सेल्व्स, लाइफ लाइव्स, स्टाफ स्टाफ्स, लोफ लोव्स, शीफ शीव्स, लीव लीव्स, सेल्फ सेल्व्स। क्लियर है बच्चों आपको? एक्सेप्शन टू द अबव रूल्स, अब कुछ एक्सेप्शन है ऊपर वाले रूल्स में। ठीक है, वो हम जान लेते हैं। चीफ चीव्स, रूफ रूफ्स, बिलीव बिलीव्स, रिलीफ रिलीव्स, dwarf dwarfs, proof proofs, handkerchief handkerchiefs, cliff cliffs। ठीक है, अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पे आप एफ को नहीं हटाते हो, वहाँ पे उसकी जगह पे एफ ही रहने देते हो और आपके साथ आप क्या करते हो वहाँ पे एस लगा देते हो। ठीक है, तो ये वो एक्सेप्शन केसेस थे। अब फॉर नाउन एंडिंग इन एफ हैव डबल प्लूरल। ठीक है, अब कुछ नाउन है जिनके एफ से एंड होते हैं, उनके क्या है? उनके डबल प्लूरल्स हैं। ठीक है, जैसे कि स्कार्फ स्काफ्स स्काफ्स। ठीक है, वाफ वाफ्स वाफ्स। ठीक है, अब उसके क्या है? डबल प्लूरल्स है। आप स्काफ को अगर प्लूरल में चेंज करना तो आप स्काफ्स भी लिख सकते हो एस लगा के, और स्काफ्स भी लिख सकते हो वी ई एस लगा के। ठीक है, स्टाफ स्टाफ भी कहलाता है, स्टाफ्स भी कहलाता है। हूफ हूफ्स भी बन जाता है और हूव्स भी बन जाता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों आपको? आगे चलते हैं। नाउन एंडिंग इन ओ यूजुअली फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग ई एस टू देयर सिंगुलर फॉर्म्स। ठीक है, अब कुछ वर्ड होते हैं जो एंड होते हैं किससे? ओ से। ठीक है, अब वहाँ पर आपको क्या करना है? वहाँ पे आपको उसके साथ ई एस ऐड और कर देना है। ठीक है, आपको ओ तो एज इट इज रखना है, उसके आगे आपको ई एस ऐड कर देना है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है सिंगुलर प्लूरल, हीरो का बन गया हीरोज, पोटैटो का बन गया पोटैटोज, बफेलो बफेलोज, ईको ईकोज, कार्गो कार्गोज, मोटो मोटोज, मैंगो मैंगोज, हैलो हैलोज, टोमेटो टोमेटोज, नेग्रो नेग्रोज। आगे चलते हैं। फॉरेन और एब्रीवेटेड नाउन्स एंडिंग इन ओ एड एस ओनली। ठीक है, कुछ फॉरेन वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके आगे हम जब उनका एंड में ओ लगता है तो उसके आगे हम सिर्फ एस लगाते हैं, ई एस नहीं लगाते, खाली एस लगाते हैं। जैसे सिंगुलर प्लूरल, कुकू कुकूज, फोटो फोटोज, बैम्बू बैम्बूज, पियानो पियानोज, फियस्को फियस्को, स्टूडियो स्टूडियोज, राइनो राइनोज, रेडियो रेडियोज। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। सम नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंज ऑफ वॉवल्स और बाय एडिंग ई एन और आर ई एन। ठीक है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके सिंगुलर में उनके कुछ वॉवल्स को हम चेंज करके उनके प्लूरल में उनको प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, या फिर हम उनके एंड में ई एन और आर ई एन जोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है फुट, अब इसका बन गया फीट। ठीक है, अब यहाँ पे उनके बीच के वॉवल को हमने क्या किया? चेंज कर दिया। ठीक है, ओ को बन गया डबल ओ का बन गया डबल ई, तो ये फुट से क्या बन गया? फीट बन गया। ऐसे ही टूथ में भी ये प्लूरल फॉर्म में क्या बन गया? टीथ बन गया। ठीक है, चाइल्ड चिल्ड्रन। ठीक है,
चाइल्ड में हमने आर्यन ऐड कर दिया तो उसका क्या बन गया, चिल्ड्रन बन गया ऑक्स ऑक्सन, लाउस लीस गूस गीस, मैन मैन बन गया, माउस माइस बन गया, डोरमाउस डोरमाइस बन गया, वुमेन का वुमेन बन गया। ठीक है, आगे चलते हैं प्लूरल ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, सिंगुलर में आपका अगर आई है तो प्लूरल में वी कहलाएगा। ठीक है, आई मतलब मैं, तो प्लूरल क्या हो गया, वी मतलब हम। ठीक है, सिंगुलर दिस, प्लूरल दीज, यू का यू ही रहेगा, दैट दोज बन जाएगा, ही और शी दे, माई सेल्फ आर सेल्फ, माइन आर्स, योरसेल्फ योरसेल्फ्स, इट दे हिमसेल्फ देयर सेल्फ, मी अस, इटसेल्फ देमसेल्फ्स, हिम देम, हिज हर्स देयर्स। सम नाउन हैव द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर में भी सेम ही वर्ड होता है और प्लूरल में भी सेम ही वर्ड होता है, जैसे कि फिश, सिंगुलर में भी फिश रहती है, प्लूरल में भी फिश रहती है, तो फिश का फिश ही रहेगा। वीट वीट, फ्रूट फ्रूट, सीरीज सीरीज, डियर डियर, शीप शीप। कंपाउंड नाउन चेंज देयर नाउन पार्ट्स इन प्लूरल। ठीक है, जो कंपाउंड नाउन होते हैं वो अपने नाउन को चेंज करते हैं कब, प्लूरल में। सिंगुलर प्लूरल, फादर इन लॉ, अब इसमें क्या है, फादर इन लॉ, लॉज के आगे एस नहीं लगेगा, खाली फादर्स के आगे, फादर के आगे एस लगेगा, जैसे फादर का बन गया फादर इन लॉ का बन गया फादर्स इन लॉ, मदर इन लॉ का बन गया मदर्स इन लॉ, ब्रदर इन लॉ ब्रदर्स इन लॉ, डॉटर इन लॉ डॉटर्स इन लॉ, हैंगर ऑन हैंगर्स ऑन, लुकर ऑन लुकर्स ऑन, फुटमैन फुटमैन, हॉर्समैन हॉर्समैन, पैसर बाय पैसर्स बाय, गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल्स। ठीक है, आगे चलते हैं। सम कंपाउंड नाउन फॉर्म डबल प्लूरल, कुछ कंपाउंड नाउन होते हैं वो डबल प्लूरल बनाते हैं, जैसे कि सिंगुलर प्लूरल, मैन सर्वेंट मैन सर्वेंट्स, वुमेन सर्वेंट वुमेन सर्वेंट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लूरल ऑफ लेटर्स फिगर्स साइंस एंड सिंबल्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग एन एस। अब कुछ लेटर्स होते हैं, कुछ फिगर्स होती हैं, ठीक है, कुछ सिंबल्स होते हैं जिनके आगे हम एस लगा के उनका प्लूरल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आई आई एस, एम एल ए एम एल एज, टी टीज, एम पी एम पीज, पी पीज, टू टूज, बी ए बी एज, थ्री थ्री सीज। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ मिसलेनियस प्लूरल हमें दिए गए हैं, उनके बारे में समझ लेते हैं। सिंगुलर प्लूरल, अब मिस्टर का मेसर बन जाता है, ठीक है, सिंगुलर मिस्टर भनौत, प्लूरल द भनौत्स और द मेसर भनौत। ठीक है, मिस मिसेज मिसेज, मिस डेम्स बन जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लूरल ऑफ सम फॉरेन वर्ड्स, अब कुछ फॉरेन वर्ड्स हैं उनको हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे चेंज करेंगे, जैसे कि बेसिस बेसिस, सिलेबस सिलेबी, एक्सेस एक्सेस, रेडियस रेडी, लोकस लोकी, फोकस फोकी, डेटम डाटा, फिनोमिनन फिनोमिना, मीडियम मीडिया, फॉर्मूला फॉर्मूले। क्लियर है बच्चों आपको? आगे चलते हैं हम जेंडर की तरफ। जेंडर रिफर्स टू सेक्स। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ जेंडर की तरफ। देर आर फोर काइंड ऑफ जेंडर्स, कौन कौन से, मस्कुलाइन रेफरिंग टू मेल्स, फेमिनाइन रेफरिंग टू फीमेल्स, कॉमन रेफरिंग टू ईदर सेक्स, न्यूटर रेफरिंग टू लाइफलेस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मस्कुलाइन होते हैं जितने भी आपके मेल्स होते हैं, मैन बॉय, ठीक है, ये सारे आपके क्या हैं, मेल यानी कि मस्कुलाइन जेंडर्स हैं। फेमिनाइन जेंडर्स कौन से होते हैं, जो आप फीमेल को रेफर करते हो, ठीक है, जितने भी गर्ल्स लेडीज इनके लिए आप यूज़ करते हो वो सारे क्या हैं, फेमिनाइन जेंडर्स हैं। कॉमन जेंडर्स दोनों के लिए, ठीक है, मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी। न्यूटर होते हैं आपके लाइफलेस ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो आपके न्यूटर जेंडर कहलाते हैं। क्लियर है बच्चों? आगे चलते हैं हम। फॉर्मेशन ऑफ द फेमिनाइन ऑफ वेरियस नाउन्स, ठीक है, जो वेरियस नाउन है उनके फेमिनाइन फॉर्मेशन क्या होती है वो हम जान लेते हैं। डिफरेंट वर्ड्स मस्कुलाइन फेमिनाइन, बोर का हो जाता है सौ, बक का हो जाता है डू, ब्राइडग्रूम ब्राइड, बुलॉक हाइफर, बैचलर स्पिंस्टर, ब्रदर सिस्टर, बॉय गर्ल, बुल काउ, कॉक हैन, किंग क्वीन, ड्रेक डक, जेंटलमैन लेडी, डॉग बिच, मैन वुमेन, कोल्ट फिली, मेल फीमेल।
ठीक है। और यहाँ पे दिए गए एग्जाम्पल मस्कुलाइन एंड फेमुनाइन के, वो समझ लेते हैं। फॉक्स का विक्सन, गेंडर घूस, ड्रोन बी, हीरो हीरोइन, फादर मदर, मॉन्क नन, पापा मम्मा, नेफ्यू नीस, लैड लैस, हॉर्स मेयर, विजर्ड विच, अंकल आंट, सर मैडम, स्वैन नम्फ, सन डॉटर, हस्बैंड वाइफ, विडोअर विडो, स्टैग हिंड। ठीक है, बाय एडिंग ई एस एस। अब कुछ मस्कुलाइन में हम क्या करते हैं, मस्कुलाइन जेंडर्स में हम ई एस लगा के उसको फेमिनाइन में चेंज करते हैं। जैसे कि हेयर का हो गया हेयरेस, प्रोफेट का हो गया प्रोफेटेस, ऑथर ऑथरेस, पोएट पोएटेस, गॉड गॉडेस, प्रिंस प्रिंसेस, होस्ट होस्टेस, शेफर्ड शेफर्डेस, लाइन लाइनेस, पैट्रोन पैट्रोनेस। ठीक है, बाय ड्रॉपिंग द वोवल ऑफ लास्ट सिलेबल एंड एडिंग ई एस एस। अब यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, लास्ट जो उसका सिलेबल होता है उसको हटा करके उसकी जगह पे क्या लगा देते हैं, ई एस एस लगा देते हैं। जैसे कि पोटर का हो जाता है पोटरेस, टाइगर का टाइगरेस, वेटर वेटरेस, मिस्टर मिस्ट्रेस। आगे चलते हैं, बाय एडिंग ई एस एस इन एन इररेगुलर वे। मस्कुलाइन फेमिनाइन, एम्परर एम्प्रेस, मास्टर बॉय, मिस गर्ल, गवर्नर गवर्नेस, मर्डरर मर्डरेस, ड्यूक डचेस, मिस्टर मिसेस, मास्टर मिस्ट्रेस, सॉसरर सॉसरेस। बाय चेंजिंग और एडिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर द मस्कुलाइन, मस्कुलाइन फेमिनाइन, लैंडलॉर्ड लैंड लेडी, वॉशरमैन वॉशरवुमेन, ही गोट शी गोट, मिल्कमैन मिल्कमेड, पिकॉक पीहन, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, मैन सर्वेंट मेड सर्वेंट, बक रैबिट डू रैबिट। सम इम्पॉर्टेंट कॉमन जेंडर, बर्ड मेल और फीमेल बर्ड। ठीक है, ये हमारे क्या हैं, कॉमन जेंडर्स हैं। बर्ड हम मेल के लिए भी बोलते हैं, फीमेल बर्ड के लिए भी बोलते हैं। एनिमी मेल और फीमेल एनिमी। ठीक है, एनिमी जो है वो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, बेबी मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, बेबी मेल और फीमेल बेबी, प्यूपिल बॉय स्टूडेंट और गर्ल स्टूडेंट, ऑर्फन बॉय और गर्ल विदाउट पेरेंट्स, टीचर मैन और वुमेन, डॉक्टर मैन और लेडी, कजन मेल और फीमेल कजन, फ्रेंड मेल और फीमेल फ्रेंड, चाइल्ड बॉय और गर्ल, सर्वेंट मैन सर्वेंट और मेड सर्वेंट, पर्सन मैन और वुमेन, स्टूडेंट बॉय और गर्ल, पेरेंट फादर और मदर, पैसेंजर मैन और वुमेन, ऑथर पोएट, डेंटिस्ट कुक आर्टिस्ट आर सम मोर एग्जाम्पल ऑफ कॉमन जेंडर्स। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों आपको। आगे चलते हैं हम द पॉजेसिव नाउन की तरफ। पॉजेसिव नाउन शो पोजेशन, टू शो पोजेशन फॉर्म ऑफ नाउन वी एड अपोस्ट्रोफे एस टू सिंगुलर नाउन एंड टू इररेगुलर प्लूरल दैट डजंट एंड विद एस। द प्लूरल नाउन एंडिंग इन एस हैव द पोजेशन फॉर्म बाय एडिंग ओनली टू देम। ठीक है, अब पोजेसिव नाउन हमारे वो होते हैं हमारे पोजेशन को शो करने के लिए, मतलब कोई चीज़ है जो हमसे बिलोंग करती है किसी और से बिलोंग करती है उस चीज़ को दर्शाने के लिए हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, वर्ड के एंड में या मैन या किसी भी पीपल या पर्सन के एंड में नाम के आगे हम क्या लगाते हैं, अपोस्ट्रोफे एस लगाते हैं उसको, उस चीज़ को उसकी चीज़ से दर्शाने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल फिलिप्स बाइसाइकिल, वुमेन्स हैंड बैग, बॉयज फुटबॉल टीम, सोहन्स बुक, गर्ल्स ड्रेसेस, चिल्ड्रंस टॉय। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पोजेशन दिखाया गया है इसलिए इन्हें पोजेसिव नाउन कहा जाता है। पोजेशन स्टैंड फॉर ऑफ। ठीक है, एग्जाम्पल इंडियाज रिच कल्चर, द रिच कल्चर ऑफ इंडिया, तरुण्स बुक, द बुक ऑफ तरुण। ठीक है, हमें किसी चीज़ का दिखाना है, हमें किसी चीज़ के बारे में बताना है, उसे उसी चीज़ से जोड़ना है। ठीक है, जैसे हमने इंडिया का बताया कि इंडिया का कल्चर कैसा है, रिच है, तो हमने इंडिया के आगे अपोस्ट्रोफे एस लगा के बताया कि इंडियाज कल्चर इज रिच या इंडिया रिच कल्चर। बच्चों अब हम पढ़ते हैं कंपाउंड नाउन्स के बारे में कि ये क्या होते हैं। ठीक है, समटाइम वी कंबाइन टू नाउन इन ऑर्डर टू गिव मोर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट समवन और समथिंग। कभी कभार बच्चों हम क्या करते हैं, दो नाउन को आपस में क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, क्योंकि हमें उनके बीच में क्या दिखाना होता है, एक कनेक्शन एक रिलेशन दिखाना होता है। ठीक है, या फिर हमें कोई इन्फॉर्मेशन कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन उनके बारे में देनी होती है। दिस इज डन
टू से वट इज मेड ऑफ, वेयर इट इज, वेन इट हैपन और वट समवन डज. ठीक है, अब ये इन्फॉर्मेशन किसी भी तरह की हो सकती है, जैसे कि वो कहाँ हुआ है, किस तरह से हुआ है, ठीक है, या किसने उसे किया है. इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम कंपाउंड नाउन में देते हैं. वेन दिस कॉम्बिनेशन ऑफ नाउन इज यूज ऑन रेगुलर बेसिस इट इज कॉल्ड अ कंपाउंड नाउन. ठीक है, जब ये कॉम्बिनेशन एक रेगुलर बेसिस में होता है उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन कहते हैं. एग्जाम्पल, एड्रेस बुक, कार पार्क, लैंग्वेज टीचर. ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके कंपाउंड नाउन के. ठीक है, तो क्लियर है बच्चों आपको? तो आई होप बच्चों आपको नाउन का ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. अब दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है.